हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने पहना है रेड कलर का सूट, जो कि काफ़ी अच्छा है। पूजा का दिन है तो मैंने रेड कलर का सूट पहन लिया है और मुझे करनी है पूजा, जो कि पूजा की सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। और हम पूजा कर लेते हैं, देखते हैं मंदिर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर लेके चलते हैं। हिमांशु तो इधर स्कूल चला गया था लेकिन हस्बैंड नहीं गए थे। मैंने नहीं जाने दिया था कि आज शिवरात्रि है, पूजा वगैरह करके तभी निकलना। और मंदिर हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे हम मंदिर नहीं गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे ही भोले बाबा का अभिषेक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब जैसे ही जैसे त्यौहार आते जाएंगे वैसे ही हर जगह एक पॉजिटिविटी सी आती जाएगी, जो चारों तरफ भजन वगैरह चलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है, जो जो मुझे पता है, जानकारी है मुझे, उतना मैंने किया है। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ गलत कॉमेंट मत कीजिएगा। जितना मुझे पता था उतना मैंने पूजा की है, ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है। इधर मेरे गोपाल जी भी काफ़ी ज़्यादा हमेशा की तरह सुंदर लग ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना कि बस ऐसा लगता है कि बस इनकी वीडियो बनाते ही रहो। बहुत ही अच्छा मोमेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके चले गए थे और सुबह मेरी सब्जी वगैरह कुछ नहीं बन पाई थी। हिमांशु आएगा फिर दोपहर में तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो आज मैं इधर बना रही हूँ दाल मखनी, जो कि मैंने पहले ही चढ़ा के रख दी थी कुकर में। तड़का वगैरह लगाना मेरा बाकी था। इधर मैंने अपनी दाल वगैरह सब कुछ तैयारी कर ली है, बस ऐसे ही रोज़मर्रा के काम हो जाते हैं। और आज मेरी सब्जी वगैरह लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी से नहाने के बाद में फिर पूजा वगैरह करनी थी, तो इसलिए हस्बैंड को जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह करके उनको भेज दिया क्योंकि फिर वो भी लेट हो रहे थे। इधर मेरी साग सब्जी से वो भी है तैयारी हो गई है, क्योंकि हिमांशु आता है तो फिर वो परेशान करता है मुझे दोपहर में। इधर मेरी जो दाल है सिंपल सी मखनी वाली, वो मेरी रेडी हो चुकी है। इधर फिर शाम का टाइम था, हमें जाना था मार्केट, हमें कुछ सामान वगैरह लेने थे, मुझे भी कुछ अपना सामान लेना था, जैसे चूड़ियाँ हो गई क्योंकि हरियाली ती जाने वाली है तो हरी चूड़ियाँ लेना तो बनता ही है, तो इसलिए मुझे चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी। हिमांशु ट्यूशन से आने के बाद में वो अपने खेलने जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन हमने उसको नहीं जाने दिया कि भाई चल मार्केट चलते हैं, कुछ सामान वगैरह लेना है। वैसे तो हम इसको छोड़ करके घर पर जा सकते हैं लेकिन जाने के बाद में ना फिर अजीब सी हलचल होती है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, ऐसे ही डर सा लगा रहता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको साथ में ही लेकर के जाती हूँ। बड़ी मुश्किलों के साथ वो गया था, फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे पूजा भी करनी है और पूजा इसलिए मैंने जल्दी की थी क्योंकि मुझे मार्केट से आते आते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने फटाफट से पूजा भी कर दी क्योंकि आते आते फिर हमें लेट भी हो जाता तो फिर पूजा मेरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैंने अपनी पूजा भी इधर कर ली है जिससे कि फिर घर की टेंशन नहीं रहती है। इधर फिर हम रेडी हो चुके हैं और हम निकलने ही वाले हैं मार्केट में। क्या क्या सामान हमें लेना है सब कुछ मुझे आपके साथ भी शेयर करना है। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कमी है मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद में हस्बैंड जल्दी आ गए थे, जो कि मुझे सामान भी लेना था। काफ़ी टाइम से काफ़ी लेट आते हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को भी बाहर जाने के लिए, और सामान वगैरह तो मुझे लेना ही था। त्यौहार भी आने लगे हैं, हरियाली तीज भी आने वाली है, शायद मुझे लग रहा है 7 तारीख की है शायद से, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे 1-2 दिन में ही तीज आने वाली है तो इसलिए मुझे घर का भी कुछ सामान वगैरह लेना था और अपने लिए भी कुछ सामान वगैरह लेना था, तो इसलिए हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और रास्ते में फिर जा करके देखा तो देख ही सकते हैं अब कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है रास्ते में। थोड़ी देर के लिए मार्केट में, हमारे कुछ गाने बंद कर दी। मार्केट में कुछ सामान वगैरह लेना था हमें और घर का सारा काम ख़त्म करके हम निकले हैं। आज शिवरात्रि भी थी तो पूजा वूजा करके पूरा काम ख़त्म करके तभी मैं आई हूँ। और हिमांशु को भी लेकर के आए हैं, आज इसको खेलने नहीं जाने दिया है हमने, अंधेरा तो हो ही गया है। बंद कर दी क्या हुआ
इधर फिर मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, मुझे चूड़ियाँ दिख गई थी। ज़्यादा यहाँ की मार्केट के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे दिख गई चूड़ियाँ, तो मैं उसी वाली दुकान में चली गई थी जहाँ पे ज़्यादा इतनी खास चूड़ियाँ नहीं थी। फिर भी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ले ली हैं। इधर फिर हम अपना काम ख़त्म करने के बाद में चले गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हिमांशु हमारे साथ में था तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हिमांशु साथ में हो और वो बाहर का बिल्कुल खाने की जिद ना करे। तो हिमांशु के साथ में हम चले गए हैं और यहाँ पे हम पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, और हिमांशु के हाथ में फ़ोन था। हिमांशु ने पता नहीं कब वीडियो बना ली, बिना बताए ही वीडियो बना लिया था। जब मैं बोलती हूँ ना कि हिमांशु मेरी वीडियो बना दे प्लीज़, तब नहीं वीडियो बनाएगा, लेकिन आज देखो उसने मेरे बिना बोले ही वीडियो बना ली। और जब मुझे बताया भी नहीं, जब मुझे फ़ोन चेक किया तब मुझे पता चला कि अरे हिमांशु ने तो मेरी वीडियो भी बना ली है। और काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ जा कर के, काफ़ी अच्छे से हमने खाना पीना खाया। उसके बाद में फिर आप लोग देख ही सकते हैं हिमांशु के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा रील्स भी बनाई हैं जो कि इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, खा कर के फिर हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि आज तो शिवरात्रि थी, लेकिन आज कांवर इतने रात में क्यों जा रही थी ये मुझे समझ नहीं आया था। रात में भी कांवर जा रही थी डीजे के साथ में। और उसके बाद में फिर हम घर पहुँच चुके हैं, सामान वगैरह राशन रूशन हमने जो भी सारा सामान लेना था हम पहुँच गए हैं घर पे। और बस अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इसको खाली करने की, सुबह ही खाली करूँ। इधर मुझे ब्लॉग भी एंड करना था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे ब्लॉग एंड करूँ। बस ऐसे ही मैंने वीडियो बना ली थी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।